नमस्ते, हम बायो एंजाइम का एक डेमो देखने जा रहे हैं। तो ये हमने तैयार किया था बायो एंजाइम का बॉटल, जिसका डेमो मैंने आपको दिया था 9th of May लॉकडाउन के वक्त। ये 9th अगस्त को तैयार हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 9th अगस्त तैयार हुआ है और ये साइट्रस बायो एंजाइम है, तो इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है। तो ये हम थोड़ा सा ब्रश के अंदर लेके, हमारे पास एक लाइटर है जो बहुत महीनों से या शायद सालों से पोछा नहीं धोया नहीं, ये बहुत ख़राब है, आप देख रहे होंगे। तो ये देखिए, ये लाइटर, इसे हम बायो एंजाइम लगाएंगे एक साइड में। ये मैं जानकर आपके सामने ही लगा रही हूँ। इतना सा ब्रश में लिया है हमने, सेंटर के पोर्शन में लगाना होता है। और दरअसल इसे 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना होता है। तो मैं वीडियो भी शुरू ही रख रही हूँ, ये भी आपके सामने है, वीडियो बंद नहीं होगा। और 5 मिनट में मे भी हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं। तो इसका जो डेमो है, ये हम लाइव देख सकेंगे। ऐसे कि बहुत सी बार ऐसे होता है ना कि ऐसा एक डाउट रहता है कि नहीं, अभी तो हमारे सामने ये लगा दिया, पर मे बी वीडियो बंद करके इसके ऊपर और कुछ लगाया होगा, क्लीन किया होगा और कोई चीज़ से। तो ये संदेह नहीं आना चाहिए, ये डाउट आपके मन से साफ हो जाना चाहिए, इसलिए ये वीडियो ऑन रख रहे हैं। तो बायो एंजाइम ये हम घर पे बना सकते हैं। 1:3:10 प्रपोर्शन लेना है। 1 इज़ जैगरी, 2 इज़ बायोडिग्रेडेबल, जो भी हमारा किचन का निकलता है ये सामान, और 3 पार्ट पानी का होता है। ये जब हम इकट्ठा करते हैं और बनाते वक्त हम रखते हैं प्लास्टिक के बॉटल में, फिर स्टोर कर सकते हैं हम ग्लास के किसी जार में। तो इसका वीडियो यूट्यूब पे है, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर से देख सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये यूट्यूब का वीडियो देख के मैसेजेस भेजे हैं कि आपने भी ये बनाया और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं इससे। ये जान के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। करते रहिए, आपके फीडबैक भी देते रहिए, और कुछ सवाल भी हो तो पूछते रहिए। आपने ही डिमांड किया था कि आप ये बायो एंजाइम अपने मी हेल्दी शॉपी पे रख रहे हैं क्या, तो हमने उसकी भी शुरुआत की है और अभी ये आपके सामने ही है। हम देखते हैं, 1 ही मिनट हुआ है, पर चलिए हम ब्रश लगा के देखते हैं। ओ लवली, निकल रहा है। ये आपके सामने, यहाँ पे मैं करीब से करती हूँ तो ये आप भी देख सकेंगे। इसे 1 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं और बायो एंजाइम्स के हम यूजेस देखते हैं। कैसे बनाना ये तो हमने देखा है। इसकी गैस हमें रिलीज़ करनी होती है हर रोज़। ये ढक्कन है, इसको स्लाइटली ओपन करके, इसके हमने सेशंस भी लिए थे। ये कैसे बनाना है ये भी देखा था और इसका यूट्यूब पे वीडियो भी हमने डाला है। इसके यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले ये, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही क्लीन लग रहा है। ये देखिए, ये अपने आप ही क्लीन हो रहा है, हमने हल्का सा ब्रश लगाया है। तो ये किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये साइट्रस फ्लेवर जो है, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ शैम्पू के हिसाब से, तो बाल भी बहुत क्लीन हो जाते हैं और ये नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। ये सारे क्लींजर्स को रिप्लेस कर सकता है।
फिर आप आपके बर्तन धोने के लिए, फर्श पोछने के लिए, कपड़ों के ऊपर दाग होते हैं वो धोने के लिए, या आपका शॉवर जेल और शैम्पू के जैसे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे किचन में जो थोड़ा तेल या घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वो इससे निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके अंदर हम नेचुरल मटेरियल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐश राख कर सकते हैं और गर्म पानी, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके एंड दिस इज रियल मैजिक। ये देखिए हमने सामने के पोर्शन पे नहीं लगाया है, इतने ही पोर्शन पे लगाया था, तो अभी हम इसे पोछ लेंगे। वोश, ये देखिए, दिस इज रियल मैजिक। ये आप आपके स्टव्स क्लीन करने के लिए, खास तौर पे जो हमारे बेसिन, सिंक, टैप्स, इसके आजू बाजू जो जम जाता है बहुत कचरा, जो बहुत स्टबन होता है, निकलता नहीं है जल्दी से, उसके ऊपर आप बस थोड़ा सा बायो एंजाइम लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा था इससे ये ऐसा हो गया है। चलिए अभी हम इसे भी क्लीन करेंगे। बायो एंजाइम आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ये मी हेल्दी शॉपी पे अवेलेबल है, आप दिए हुए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। ये अभी हम सब जगह लगा रहे हैं, और हमने कितना बायो एंजाइम लिया है तो ये देखिए, ये इतना, ये जो बायो एंजाइम का हमारा बॉटल है इसमें से हमने इसके अंदर एक ढक्कन से भी कम लिया है। बायो एंजाइम का इस्तेमाल आप फर्टिलाइज़र करके यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड करके भी इस्तेमाल, ये हम कितना ले रहे हैं, इतना ही बस। लाइटर जैसी जो चीज़ होती है इसे हम धो नहीं सकते हैं, तो बस बायो एंजाइम लगा दीजिए हल्का सा और इसे छोड़ दीजिए। अभी हम कोशिश करेंगे ये जो है इसका टेप, ये भी स्टिकर के नीचे का जो पोर्शन होता है, ये मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं निकलता है क्या। इसके नीचे और भी स्टिकर पेपर है। ओके, यहाँ पे पेपर और है पर ये साइड साइड का हम देख लेंगे निकलता है क्या। ओके, तो हमने ये बायो एंजाइम लगा दिया है ये आपके सामने। ओके, इसे हम 2 मिनट के लिए रखते हैं। हम जब बायो एंजाइम इस्तेमाल करते हैं तो जब हम क्लींजिंग करके इस्तेमाल करते हैं तो 1:500 टाइम्स डाइल्यूट कर सकते हैं इसे। अगर स्टबन कुछ ऐसे कुछ दाग हो या स्टबन कुछ इस टाइप का बहुत ज़्यादा जमा हुआ धब्बे हो तो इसके लिए आप फुल स्ट्रेंथ में बायो एंजाइम को बस ब्रश से हल्के से लगा दीजिए। फर्टिलाइज़र करके अगर इस्तेमाल करना है तो 1:1000 प्रपोर्शन में उसे डाइल्यूट करना है पानी में, और फिर आप वो पेड़ों को दे सकते हैं। एंड पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, अगर आपके पेड़ पौधों के ऊपर आपको बग्स, बुरशी, मिली बग्स, वाइट बग्स, अगर इस प्रकार के कुछ कीटाणु दिखते हैं तो इसके ऊपर आप ये 1:2000 या 1:500 इन दैट केस उस डाइल्यूट करिए और वो स्प्रे कर दीजिए आप लीव्स के ऊपर। हमें एक्चुअली ये जानना है कि हम जब पेड़ों को नैसर्गिक खत देंगे तो वो भी हमें बहुत बढ़िया फ्रूट्स देंगे। अभी जो भी ये समस्या हो रही है ये बहुत केमिकल्स के इस्तेमाल करने के वजह से हो रही है। जितना हम नेचुरल जीवन पे आएंगे, नैसर्गिक चीज़ें खाएंगे, हमारा आहार विहार आचार और विचार ये नेचुरल और लोकल रखेंगे, उतना ही
हैप्पी हेल्दी लाइफ जी सकेंगे, सात्विक जीवन जी सकेंगे और ये समस्या क्राइसिस कोई भी सिचुएशन हो उससे फिर डरने की कोई बात नहीं रहेगी। तो ओके, एक मिनट हो गया है, ये देखिए हमने इसके ऊपर ये लगाया था, अभी इसे ब्रश से हल्के से हम घस देते हैं। अमेजिंग, ये देखिए ये आपके सामने अभी मैं कर रही हूँ, एकदम हल्के से। इसे हम और भी छोड़ देंगे तो घिसने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और हमने यहाँ पे लगाया था बायो एंजाइम, देखते हैं ये निकलता है क्या। ये एक्चुअली स्टिकर है, ये कागज ही है अभी तक यहाँ पे साइड साइड का जो है। ओके, इसे हमने हल्के से ब्रश से घस लिया है और हम कपड़े से पोंछ लेंगे। अमेजिंग दिस इज, ये देखिए शायद घसने की भी ज़रूरत नहीं थी पर ऐसे ही आदत से मजबूर हमने वो घस दिया। अमेजिंग दिस इज, ये तो मैंने भी पहली बार देखा। ये देखिए बढ़िया है ना, ये बनाइए। बायो एंजाइम घर पर ही बना सकते हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, 3 महीने लगते हैं पर इंतज़ार के ऊपर एक श्लोक याद आ गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था भगवद गीता के 2 अध्याय में, 14वां श्लोक है ये, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पायिनो नित्यान स्थान स्थितिक्षस्व भारत। तो वो जो कहते हैं तान स्थितिक्षस्व भारत, इसका मतलब है कि तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा धीर धरो, सब ठीक हो जाएगा। ये भी जो क्राइसिस है ये आया है ये चला जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। और ज़्यादा इंतज़ार अगर नहीं कर सकते हैं तो ट्रायल, या अगर करना चाहते हैं तो मी हेल्दी शॉपी में तो ये रेडी है ही, जिसे आप 1:500 टाइम्स डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हो। और ये देखिए आपका नया जैसा, ये जो है ये स्टिकर है, ये कागज अभी भी लगा है इसलिए इस पर हमने अभी तो लगाया नहीं है, हम थोड़ी देर से मे भी लगा के देखेंगे बट आप लोग वीडियो ज़्यादा देर का देख नहीं सकते इसलिए ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे। नमस्ते, सो बी नेचुरल एंड बी हेल्दी।